Hey guys, welcome back because you've tuned up to your favorite place जहाँ पर आप सुनते हैं internationally and हमारे साथ में nationally music artists को जो independent music बनाने में believe करते हैं and उसकी अपनी ही अलग journey लेकर आए हैं। आज हमारे साथ इसी के साथ में कौन जुड़ने वाला है hashtag the blue mic show, चलिए कराते हैं आपके इनके साथ एक खास मुलाकात। So hello जी, would love to introduce yourself to all our audiences out here please। नमस्कार, this is Bollywood singer Krishna Deora। So Krishna, सबसे पहले तो अगर हम आपसे ये जानना चाहे कि म्यूजिक की तरफ इंक्लिनेशन आपका कब से शुरू हुआ? How did you start up with music in your life? मैं जब छोटा था, मेरी हाइट काफी कम है, तो मैं उस वजह से असेंबली में, जो स्कूल की असेंबली होती थी, उसमें सामने खड़ा होता था, you know, I used to be in the front। तो एक बार हमारे जो सीनियर्स थे वो किसी पिकनिक के लिए गए थे, तो उन्होंने तो हमारी जो प्रिंसिपल मैम, उन्होंने बोला कि भाई आज वंदे मातरम नहीं होगा, तो आफ्टर द प्रेयर वील गो स्ट्रेट अवे टू आवर क्लासेस। एंड पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने हाथ ऐसे खड़ा किया, तो शी वाज लाइक वेरी दिस थिंग, इतना छोटा सा बच्चा गाना चाह रहा है, तो थैंक्स टू हर कि उन्होंने एनकरेज किया। तो वो मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं कि मैंने वहाँ गाया। और जो गाने के बाद, उसके बाद उन्होंने मुझे एक क्रेयन कलर का एक बॉक्स मुझे गिफ्ट किया, जो कि पहला अवार्ड भी था मेरा। वहाँ से मेरा प्रोत्साहन जो है, पहली जर्नी और म्यूजिक की शुरू हुई है। तो एंड देन माई फादर यूज टू टेल मी के जब उस टाइम पे क्या होते थे ना, प्रोमोज आते थे किसी फिल्म के, ना कोई गाने ऑन एयर होते थे, उस वजह से तो फिल्म देखी, गाना उसी टाइम सुना और बाहर आके पूरे गाने। तो इट इज वेरी एस्टोनिशिंग फॉर अ किड हू इज 5-6 इयर्स ओल्ड। तो माई डैड यूज टू टेल मी के डेफिनेटली ये सिंगर बनेगा। ही बीइंग इन, ऑफकोर्स ही नेवर डिस्करेज्ड मी टू बी अ सिंगर और एन आर्टिस्ट। तो आज मैं अपने फादर की वजह से सिंगर बना। So, Krishna, लेकिन जब हम कहते हैं कि एक ऐसा दौर आता है जब हम अपने लिए सिलेक्ट करते हैं what we really want to pursue, and when you talk about those back days, music was not taken so seriously, क्योंकि उसके लिए कहा जाता था you need a whole amount of a huge money to be invested अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना चाहते थे, क्योंकि कैसेट्स निकालनी है, कि डीवीडीज निकालनी है, सीरीज बनानी है, सब में पैसा बहुत लगता था। तो बहुत सारे सिंगर्स शायद इस वजह से भी हमने नहीं देखे होंगे बिकॉज दे डिड नॉट हैव सो मच ऑफ अ मनी, व्हेयरएज़ द सिनेरियो टुडे इज वेरी इजी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, आप कहीं भी बैठकर गुनगुना लेते हैं एंड यू कैन रीच आउट टू द पीपल। So when you compare to both eras, how do you feel, you know, was it difficult being a musician and being a singer in those days and now it's much easier? नहीं, मैं actually बताता हूँ कि जो पहला era था वो बहुत ही बढ़िया era था। वहाँ पर filter हो जाते थे लोग, you know, अच्छे लोग ही आगे आ पाते थे, जो really में deserve करते थे, जो really में अच्छा गाते थे वही आगे आ पाते थे। अभी तो कोई भी आ रहा है, जिसके पास पैसा है वो फोन खरीद रहा है बढ़िया सा महंगा वाला, या फिर अच्छा कैमरा खरीद रहा है और घर पे अपना कुछ बजाना आता हो चाहे नहीं आता हो, गाकर उसको ऑटोट्यून करके, यू नो, उसका रील्स बना के डाल रहा है, पीपल आर दे बिकमिंग सिंगर्स, सो एवरीबॉडी इज बिकम अ सिंगर नाउ। तो हर इंसान गाना चाहता है। तो अब तो बेसुरे लोगों के भी रील्स बन रहे हैं, उनके भी रील्स लोग जो मतलब अगर सुर यहाँ है तो यहाँ गा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग उनके वीडियोज को बहुत ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से म्यूजिक का जो स्तर है वो काफी गिर गया है। और उससे क्या होता है कि लोग कहेंगे कि हाँ मजाक बनता है उसका, तो व्यूज मिलते हैं उसको, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे जब इंस्टाग्राम मोनेटाइज हो जाए तो ऐसे लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे उससे, और आर्टिस्ट घर पे बैठा रहेगा। तो इट इज अनफॉर्चुनेट, सबको हक है गाने का ऐसा नहीं है, हक जरूर है गाने का, लेकिन आप फिर अपने घर पे गाइए। अगर आपको प्रोफेशनली गाना है देन यू हैव टू बी परफेक्टली ट्रेन, म्यूजिक प्रॉपर सीखें, प्रॉपर स्ट्रगल करें, प्रॉपर उस पर मेहनत करें। हमने आज अगर कोई इंडस्ट्री में गाना गाया है, 20-20 साल, 15-15 साल, 10-10 साल हमने लगाए हैं उस संगीत के ऊपर, और उतना स्ट्रगल किया है, उतनी मेहनत करने के बाद हम आ गए हैं कि हम ओवरनाइट एक ऐसा ही कोई दो लाइनें गा के किसी और के गाने की दो लाइन गाकर हम सुपरस्टार बन गए। यू नो, आजकल कवर्स गा के भी लोग सुपरस्टार बन गए हैं, और अच्छे आर्टिस्ट घर पे बैठे हैं, वो जिसका कवर गा रहे हैं वो घर पे बैठे और ये लोग शोज कर रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट एरा है म्यूजिक के लिए। तो आई वॉन्ट अप्रिशिएट के बहुत कुछ अच्छा हो रहा है इसकी वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। बट हाँ, उस टाइम उस जमाने में क्या होता था, फिल्टर हो जाते, ओनली अच्छे लोग आगे आ पाते थे, अच्छे लोगों को ब्रेक मिलता था, अच्छे लोग दूरदर्शन जैसे चैनल्स में गाया करते थे, क्योंकि उस टाइम टीवी पे एक ही वो चलता था, राइट। बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी, एक ही चैनल था जिन पे म्यूजिक के छोटे छोटे फंक्शंस कभी 31st को, कभी क्रिसमस के दिन, इस तरह से हुआ करते थे। और जो लेजेंड्स थे वो तो गा ही रहे थे, और वो लेजेंड्स आज लेजेंड्स इसलिए हैं कि आज भी आप तरत महमूद साहब का गाना उठाइए, किशोरदा का गाना उठाइए, या फिर लता जी का, आशा जी का, यू नो, मुकेश जी का, रफी साहब का, मन्नाडे जी का, एक भी गाना मतलब आपको किस में कोई फ्लॉ नहीं नजर आएगा। और उस टाइम ऑटोट्यून भी नहीं हुआ करता,
इतने इतने प्रैक्टिस के बाद, एक महीना प्रैक्टिस के बाद एक गाने की रिकॉर्डिंग हुआ करने की, तो संगीत का एक स्तर बहुत ऊंचा था उस वक्त। और आज की डेट में क्या हुआ है कि एक टाइम था जब रेडियो पे अच्छे गायक सुनने को मिलते थे, अब हमें पॉपुलर गायक सुनने को मिलते हैं, यही फर्क है। कुछ गाने ऐसे जिन्हें आज भी काफी गाने जिन्हें गुनगुना सकते हैं, रिमेम्बर दो सॉन्ग्स एंड द लिरिक्स। व्हेयरएज नाउ इतना म्यूजिक आ चुका है हमारे पास, एवरी डे इट्स रिलीजिंग, हम म्यूजिक को नहीं पहचान पाते, हम उसे डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते कि क्या एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का है या क्या ये एक बॉलीवुड सॉन्ग है। So what do you think is the reason behind it? क्योंकि आपने दोनों जगहों के स्तर पर काम किया, you're working in both the spheres, which the Bollywood and even which the independent artists and musicians also. देखिए क्या होता है कि independently चाहे आप म्यूजिक करें, चाहे किसी फिल्म के लिए करें, चाहे किसी OTT प्लेटफॉर्म के लिए करें, चाहे किसी टीवी सीरीज के लिए करें, संगीत तो संगीत है। एट दी एंड ऑफ द डे जब उसकी अच्छी मेलोडी होगी, अच्छा गाना होगा, तो तभी लोग उसको पसंद करेंगे, तभी लोग उसे गुनगुनाएंगे, है ना। तो फुट टैपिंग नंबर्स की बात अलग है। फुट टैपिंग नंबर्स वो है कि आप क्लब में सुनना चाहोगे, आप अपने घर पे नहीं सुनोगे, ठीक है ना। तो वो एक अलग जॉनर है कम्प्लीटली, यू नो। लेकिन जब आप जगजीत सिंह साहब की बात करोगे और उनके गजलें सुनोगे, तो आपको वैसा एक माहौल बनाना पड़ता है घर के अंदर, कि वैसी पार्टी चल रही है जहाँ लोग प्यार से बैठे हैं और अच्छे से अच्छा संगीत सुनने की वो कर रहे हैं। नुसरत फतेह अली खान साहब को आप ले लें, तो भी अगर वो भी चल रहे हैं, वो भी उनके गाने भी चल रहे हैं, सुन रहे हो आप, लता जी को सुन रहे हो, आशा जी को सुन रहे हो, रफी साहब के कुछ गाने, जिंदगी का, रफी साहब के कुछ भी गाने आप ले लें, तो अगर वो भी आप सुनना चाहें तो एक अच्छे सफर पर जा रहे हैं, आप सुनते हैं, उसको मजा आता है। और आरजेज इतनी अच्छी, आरजेज की आवाज हो गई है आजकल, इतने बेहतरीन माइक्स आ गए हैं कि जब वो यहाँ इतने करीब आकर माइक से बात करते हैं, किसी से जिक्र करते हैं, देखिए ये गाना हम अच्छे लिखते कर रहे हैं, कितना अच्छा है, और the way they speak, they present the song, उसका मजा ही अलग हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ मेलोडीज हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। अभी अमित त्रिवेदी he's got back that melody, to this era of जहाँ पे सिर्फ रैप ही ज्यादा सुनने को मिल रहा था। तो कुछ कहते हैं ना कि जब बहुत हीट हो और एकदम से आपको ठंडी बौछा रहा है, बारिश की आपके चेहरे पे, तो वो उनका म्यूजिक वो कर रहा है। तो कला के गाने हिट हुए अभी रिसेंटली, बहुत पसंद किए गए। अभी जुबली करके एक वेब सीरीज है, उसके गाने बहुत हिट हुए। सुनीली का गाना जो है अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो ऐसे गाने जब पॉपुलर होते हैं तो बहुत मजा, अभी पिछले 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 15 दिनों से मैं एक ही गाना सुन रहा हूँ एवरी डे, एंड एटलीस्ट 10 times a day I'm listening to that. It's a Nepali song by Suraj Chapadan, and the song is called Phool Thunge Rani. जब आपको वक्त मिले आप जरूर सुनिएगा ये गाना। ये गाना आपको मतलब इतना इतना अलग एक लेवल पे ले जाएगा कि नेपाल में भी इतना बेहतरीन म्यूजिक हो रहा है अभी। तो इट्स एस्टोनिशिंग के कहीं ना कहीं ये सरफेस, अच्छे म्यूजिक कभी कभी सरफेस हो जाते हैं और उसको प्रॉपर जस्टिस मिल पाता है, वो एक बहुत अच्छी बात है सहरा में। जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट वी आर लिसनिंग, हमें तो पता नेपाल में क्या हो रहा था, हमें नहीं पता चलता, राइट। अब हमें पता चल जाता है बिकॉज हम लोग वर्ल्ड में उस चीज से जुड़े हुए हैं, तो इंटरनेट की वजह से ये एक फायदा हुआ। Absolutely. So, but Krishna, जब आप बॉलीवुड में ब्रेक मिला, how was that inside? Now, who gave you the call and how did you reach into the Bollywood industry and how did those things happen to you? मैं जब आया था यहाँ पर मुंबई में, तो तब मैं एक्चुअली मैं नॉर्मल गाने गाया करता था, फिर जो कि पॉपुलर थे वही सब शानू के गाने बहुत पॉपुलर थे उस टाइम पे, उनको मैं गाया करता था और ऑब्वियसली लेजेंड्स के गाने तो गाता ही था। तो देन आफ्टर आई केम हियर आई एवरी थर्ड डे वी किशोर He's trying to sing Kishore Da or he's trying to sing Kumar Sanu, और उस टाइम बाबुल दा भी गाया करते थे, तो बाबुल सुप्रियो के जैसे भी बहुत सारे सिंगर्स थे। तो then I thought कि यार something different, I have to sing a different genre, जैसे कि मुझे break in करने में इजी होगा, because it's very difficult for a guy to even approach people. Women को तो लोग जवाब नहीं देते, हमें तो reply भी नहीं करते, if you message them, if you try to call them, they don't even, उनके लिए एटलीस्ट कुछ कुछ नहीं, तो एटलीस्ट विमेन के लिए क्या होता है कि ऑल म्यूजिक राइटर्स आर मेल, तो क्या होता है कि एक एडेड एडवांटेज होता है कि हाँ लड़की कह रहे हैं तो उससे आप आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। मन में आपके आता है कि चल ठीक है इनको तो रिप्लाई कर ही दो, तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक इन कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ब्रेक इन करना नहीं हो। तो फिर मैं काफी म्यूजिक डायरेक्टर्स को मिला, तो अपनी सीडीज वगैरह दी, उस टाइम पे तो सीडी पे डेमो लेके जाया करते थे, तो वो भी दिया, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ा नहीं। तो एक बार एक्टर संजय दत्त कहीं शूट कर रहे थे, तो मैं उनसे मिला, उनको मैंने सीडी दी, मैंने कहा चल कोई नहीं यार कोशिश तो कर लो, आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे उनकी मर्जी है,
तो आई वाज सो सरप्राइज कि उन्होंने सुना, और सुनने के बाद मुझे अपने पास बुलाया, फिर बोला कि इतनी अच्छी आवाज है तुम्हारी, यू मस्ट सिंग इन फिल्म्स एंड ऑल। तो इमिडिएटली उन्होंने मेरे सामने ही आदर्श श्रीवास्तव जी को फोन किया और कहा कि दीवार की जो कवाली है वो कृष्णा गाएंगे। और तो फिर वो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई मुसाफिर के लिए, संजय गुप्ता सर के वहाँ भेजा। और फिर मैंने जिंदगी में कोई कभी आईना रब्बा का एक वर्जन गाया, उसमें ऋचा जी का और सुखविंदर जी का भी एक वर्जन था, तो तीन वर्जन थे उस गाने के, एक वर्जन मेरा था जो कि टेक्नो वर्जन था, वो किया। फिर रक्त करके एक फिल्म आई थी जो कि विजय माल्या जी की बनाई थी, एक ही फिल्म है रक्त, तो रक्त में गाना था सच्चे सच्चे आनंद राज आनंद जी का म्यूजिक था उसमें, बहुत अच्छा गाना था वो भी, और वो गाया। फिर उसके बाद रुद्राक्ष में एक गाना उन्होंने दिया मुझे, शंकर अहसान भाव उनके साथ गाया मैंने, और द सॉन्ग वॉज इश्क खुदाई रब ने बनाई, वो भी हिट हुआ था। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो एक्टर संजय दत्त मेरे गॉडफादर हैं, उन्होंने ही मुझे ब्रेक किया और उन्होंने Quite interesting. So we have a request with you कि अगर आप जिया लागे ना इस गाने को हमारे सारे audiences के लिए अगर गुनगुना दे प्लीज तो। तेरे बिन जिया लागे ना लागे ना, ओ तेरे बिन जिया लागे ना लागे ना, तेरे संग संग चलना मुझे, तेरे रंग 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 मुझे, तनहा तनहा जिंदगी अब जिया जाए, तेरे बिन जिया लागे ना लागे ना लागे ना। How sweet. तो इस गाने के पीछे कोई ट्रिविया इनफैक्ट आपका? रवि बसनीत करके बहुत अच्छे राइटर हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत काफी खराब हो गई है, वो बॉम्बे छोड़ के चले गए, तो उन्होंने लिखा था, तो कंपोज मैंने किया था और हमने इसे उड़ीसा में शूट किया था, तो काफी अच्छी यादें इससे जुड़ी हुई हैं। तो ब्यूटीफुल। आप जो अपकमिंग सिंगर्स या जो कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना चाहता है दिनों, उन्हें हमें क्या पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो एडवाइस ये है कि संगीत ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, संगीत में मेहनत लगती है, टाइम लगता है, आपको एक सीजन सिंगर बनने के लिए बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है, तो उससे गुजरी है, ठीक है। ये नहीं कि ओवरनाइट आप समझते हैं कि एक गाने पे एरो ऐसे टेढ़ा एरो आ गया उसमें इंस्टाग्राम पे तो आप भगवान बन गए, ऐसा नहीं होता है। वो आता है उतर जाता है, आता है उतर जाता है, सब चीजें यही रह जाएंगी। आपका अल्टीमेटली आपका सोल अच्छा होगा तो आप एक अच्छे सिंगर बन पाएंगे। अगर आपका सोल ही नहीं है तो आप कितने भी पॉपुलर हो जाए, कुछ हो जाए, थोड़े दिन रहेंगे, थोड़े दिन के बाद आपकी जगह कोई और ले लेगा। तो सोल अच्छा करने के लिए आपको म्यूजिक में सबसे बड़ी बात है, नए जनरेशन के जो बच्चे हैं उन लोगों में 90% लोग अदब भूल चुके हैं, दे डोंट रिस्पेक्ट द सीनियर्स। व्हेन दे आर टॉकिंग टू सीनियर्स ऑन इंस्टाग्राम, किसी को कुछ भी आके गाली दे देते हैं, इसको देखो ये कैसे गा रहा है, इसको देखो ये क्या कर रहा है, अरे इतना बेकार है ये, तो इसके तो फिल्मी गाने ट्यून करके आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं। मतलब मुझे नहीं लिखा, मैं देखता हूँ कई लोगों के सिंगर के फील्ड पे भी आकर ऐसे लोग लिखते हैं, यू नो बड़े बड़े सिंगर्स को लोग आके ऐसे, मतलब वो म्यूजिक से बिलोंग करने वाले लोग जब ऐसी बातें करते हैं तब बड़ा दुख होता है कि मतलब हम कैसे एरा में आ चुके हैं जहाँ पर कि सिंगर्स की रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो ये अदब सबसे जरूरी है, सबसे पहले तो अदब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि संगीत में आपके सोल को अच्छा करती है। अगर आपका सोल ही अच्छा नहीं है तो आप कितना भी यू नो टेक्निकली अच्छे हों, कुछ भी आप कर लें, कुछ भी गा लें, आपके संगीत को कुछ दिन चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। Absolutely true. तो जब संगीत की हम बात करें तो एक अगला गाना कौन सा ऐसा है जो कृष्णा हमारे लिए गाना गुनगुनाना चाहेंगे और हमारी ऑडियंसेस को सुनाना चाहेंगे? अभी मेरा गाना आ रहा है राजस्थानी फिल्म है, वो बहुत पसंद है मुझे, तो आपको दो लाइन सुनाता हूँ। ओ जब देखूं बनारी लाल पीली अखियां, जब देखूं बनारी लाल पीली अखियां, मैं नहीं डरू सा भला ही काटो अखियां, मैं नहीं डरू सा भला ही काटो अखियां। क्या बात कृष्णा, देयर इज यू नो देयर इज अ पार्ट ऑफ यू व्हेन एवरी यू वांट्स टू डू समथिंग एल्स इन योर लाइफ, यू नो हमारा एक विजन होता है खुद को लेकर, तो आप खुद को लेकर क्या सोचती हैं, लाइक व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इज दैट यू वुड लव टू गिव द ऑडियंसेस फ्रॉम योर्स? मेरा जो एक ड्रीम है, मैं चाहता हूं कि डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशंस करूं, और उसके बाद बांग्लादेशी मैंने कुछ एक दो फोक सॉन्ग्स किए हैं, और आइलो रे नोया दमई आसमाने रोता रा पिसाना पिसाई अति नम शैल था मेरे नेरा जमाई बो
इतना सुंदर संगीत है वहां का भी, अभी मैंने वो भी एक्सप्लोर किया है, तो चाहूंगा कि डेफिनेटली मैं कोलैबोरेट करूं। तो इंडियन आर्टिस्ट तो बहुत बड़े हैं, उनके साथ मौका मिलता नहीं है करने को कोलैबोरेट, बट ऑब्वियसली इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो हैं वो शायद समझें और हम उनके साथ काम कर पाएंगे, मेरी उनका अच्छा है। क्या बात है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो साल 2023 में हम कृष्णा को कहां कहां किस किस के साथ में देखने वाले हैं? मैं कुछ नहीं कह सकता इन बारे में, मैं अपनी कोशिश पूरी जारी रखूंगा, मैं अपना म्यूजिक अच्छा करूंगा, I'll be meeting people, I'll be trying to speak to different musicians all over the world to collaborate with them. बाकी मालिक है, बाबा है, वो चीजें हैपन करते हैं मेरे लिए, वो चीजें करते हैं मेरे लिए। तो मेरे कोई गॉडफादर ना होते हुए भी संजय दत्त सर मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी उनसे मिले, लेकिन उन्होंने इतना किया मेरे लिए, अगर बाबा नहीं होते तो उसके लिए पॉसिबल नहीं। Yeah, but wow. Quite interesting. So thank you so much, Krishna, for being with us. Such a beautiful journey of yours. And I'm sure about this ki jitne independent artists aap sun rahe hain, wo bahut kuch lenge aapse, and they have a lot to learn from you. And I would, in the end, I would like to say, agar kisi ko kisi ki bhavnaye aa rahi hai meri kisi baat se, to main kshama chahunga. Mera aisa koi maksad nahi hai, but jitna experience maine sangeet mein liya hai, usme main jo cheeze bata sakta tha aane wali generation ko, agar aap in cheezon se kuch acha, you know, nikal ke apne liye उसको यूज कर सको तो जरूर करना। और संगीत है, संगीत में एक अच्छा दिल होना बहुत जरूरी है, तो अपना दिल अच्छा रखें, अपना आचरण अच्छा रखें। थैंक यू।